हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू में। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हम मैथ का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिस क्रम में हमने सबसे पहले सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी करनी और घातांक को लिया था, और हमने ऑलरेडी उसके चार पार्ट कर लिए थे। और आज जो है उस टॉपिक का, या कहें तो हाँ, इस टॉपिक का जो है पार्ट नंबर 5 होने वाला है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आखिरी पार्ट है। और हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक से रिलेटेड बन सकते हैं वो सारा हम कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इस वीडियो से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 4 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 16 की पावर 2 गुणा 11 गुणा 10 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। अच्छा देखो, अभाज्य, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। इंग्लिश में कहें अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं ये। ठीक है, प्राइम नंबर। जैसे आप कहोगे 2, 3, 5, 7, यानी वह नंबर, वह संख्या जो केवल संख्या 1 से और खुद से डिवाइड हो। जैसे 2, 3, 3 क्या है? 1 से डिवाइड होगा और खुद से केवल 3 से डिवाइड होगा, या अपने आप से डिवाइड होगा। 5 भी देख लो, केवल 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। ऐसी संख्याएं जिसके हम केवल 2 फैक्टर कर सकें, ऐसी संख्या जिसको हम 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 टुकड़े कर सकें, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, समझ रहे होगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके हम केवल 2 फैक्टर, यानी 2 फैक्टर कर सकें, 2 टुकड़े कर सकें। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक बार मिटा लेता हूं इसको। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको ऐसे ही अभाज्य संख्याओं में तोड़ो और उसके टोटल जो है कितने गुणनखंड बनेंगे वो बताओ। तो तोड़ देते हैं पहले हम 4 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 16 की पावर 2 गुणा 11 11 गुणा 10 की पावर 2। ठीक है, चलो प्राइम नंबर। अब ये इसको प्राइम नंबर तोड़ो, क्या 4 एक प्राइम नंबर है? आप कहोगे 4 नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 जो है कंपोजिट नंबर है। तो क्या 4 टूटेगा? हाँ, जब तक ये इसको इसका बेस इस फॉर्म में तोड़ना है कि बेस इसका प्राइम नंबर बन जाए। बेस क्या बन जाए? प्राइम नंबर बन जाए। तो बेस को हम प्राइम नंबर बनाएंगे, तो हम इसको तोड़ लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 10। अब तो काफ़ी समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट, इससे पहले की 4 वीडियो जो बनी हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे कर लिए हैं, तो अब ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक मेरे को। 7 की पावर 3, इसको भी तोड़ लेते हैं। 2 की पावर 4 की पावर 2 गुणा 11 की पावर 1 गुणा, इसको हम तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 तोड़ सकते हैं। चलो अब गुणा कर लो, 2 धम 20 यानी 2 की पावर 20 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 4 दुनी 8 यानी 2 की पावर 8 गुणा 11 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो एक जैसे जो आपके नंबर हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं ना, जैसे 2 की पावर 20 और कहीं 2 है, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 2, यानी देखो बेस सेम है, 2 2 2 यानी पावर जोड़ दो, 20 और 8 28 और 2 30, यानी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 30 गुणा 7 और कहीं है? नहीं है। 11 और कहीं है? नहीं है। 5 एक ही जगह है, यानी इसको लिख दो 7 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, बस हमने क्या किया, अब इसको हमने प्राइम नंबर्स के फॉर्म में तोड़ दिया। देखो इसका बेस सारा प्राइम नंबर हमने बना लिया। जब प्राइम नंबर बन गया तो अब इसके फैक्टर ही तो पूछा है, कुछ नहीं करना, जो इसकी पावर्स हैं इसको ऐड कर दो, 30 3 33 34 और 2 36, यानी इसका आंसर आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36। देख लो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, 36।
आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए, तो क्या करना है आपको, बेस को क्या करना है, प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ लेना है। पावर चाहे कितनी भी हो, पावर कितनी भी बने, आपको इतना ध्यान रखना है कि बेस प्राइम नंबर हो जाए। ठीक है, बेस प्राइम नंबर होते ही आपको क्या करना है, सारे जो इसके पावर्स हैं उन सबको ऐड कर देना है, वही इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सेम क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करो और फिर इस क्वेश्चन को बनाओ और देखो कि आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद वीडियो आप जो है दोबारा से चालू करके देखना। ठीक है, चलो, उम्मीद है आपने किया होगा और अब मेरे सॉल्यूशन को देख रहे होगे। तो चलो तोड़े फटाफट। 6 की पावर 333 है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 * 6, यानी 2 की पावर 333 गुणा 3 की पावर 333। ठीक है, 7 की पावर 222। ठीक है, लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं 8। अच्छा, 8 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर है, तो 8 को भी हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर में तोड़ लेते हैं। किसमें तोड़ोगे आप, तो कहोगे 2 की पावर 3 होता है ये, तो 2 की पावर 3 की पावर 111। चलो अब फटाफट एक बार और यहाँ पर देखो, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो 3 को गुणा करोगे 111 से, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 333। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 333, यानी बेस सेम है, पावर को जोड़ोगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 666। ओके, और यहाँ 3 की पावर 3 बार 3 और 7 की पावर 222। चलो आपने तोड़ लिया इसको, किसमें, प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ लिया, इसके बेस को क्या बना दिया, प्राइम नंबर बना दिया, तो पावर को फटाफट जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये और ये तीनों को आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका, देखो 666 और ये हो जाएगा 999 और 999 और 222 कितना हो जाएगा आपका, 999222। तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 1 10 2 12 1 और ये हो जाएगा 10 2 12, यानी 1221। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1221। आइए देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट कई वीडियोस में, तो बिना समय गवाए फटाफट, हालांकि एलजेब्रा में आने वाले क्वेश्चन है ये, बट कहीं भी पूछ लेता है, आप किसी भी चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं उसको। फॉर्म है a³ + b³ + c³ - 3ABC, तो फॉर्मूला हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्या होता है a³ + b³ + c³ - 3ABC बराबर में क्या होता है आपका a+b+c और a²+b²+c²-ab-bc-ca, ये इसका फॉर्मूला होता है पूरा। ठीक है, तो देखो उसी का इस्तेमाल हो रहा होगा यहाँ पर। 1.5 को a मान लो, 4.7 को b मान लो, 3.8 को c मान लो, तो ये हो जाएगा देखो 3abc हो रहा है। तो आप ऊपर क्या फॉर्म बन रहा है, ऊपर बन रहा है a³ + b³ + c³ - 3abc। ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है, a²+b²+c² लिख लो, a²+b²+c² - ab - bc - ca, ये वाला फॉर्म बन रहा है। देखो ये पूरा -ab - bc - ca ये बन रहा है। तो ध्यान से देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये चीज़ जो है आपका, ये चीज़ इसके बराबर में ये चीज़ है ना, यानी अगर आप यहाँ से इस फॉर्म की अगर वैल्यू यहाँ पर रखोगे, तो आप ये पूरा ये चीज़ रखोगे a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर में ये सारा है ना, यानी इस पूरे की जगह पे मैं ये पूरा इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी यहाँ पर मैं इसको हटा कर इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ पूरा, है ना, ऑब्वियस सी बात लिख सकते हैं बराबर में है क्योंकि, तो a+b+c और आपका हो जाएगा क्या, a²+b²+c²-ab - bc - ca। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, यही चीज सेम, a²+b²+c²
माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो देखो ये पूरा इससे पूरे से कट गया, तो आंसर क्या आना है, ए प्लस बी प्लस सी इसका आंसर होगा। अब ए क्या है, 1.5 है, इसका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो जोड़ दो फटाफट, ए की वैल्यू है 1.5 प्लस बी की वैल्यू है 4.7 प्लस सी की वैल्यू है 3.8, तो इन सबको आप जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ दो, 7 5 12 8 20 का जीरो हासिल किया, 2 5 4 9 1 10, और एक के बाद जीरो लगाओगे तो पॉइंट से जीरो कट गया, आंसर आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जिनको कॉन्सेप्ट पता है उनके लिए तो आसान है, जिनको नहीं पता माइनस का साइन देख के घबरा जाएंगे, क्या करना है। देखो आपको पता है ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम इंटू एन, यानी ये दोनों आपस में गुणा होंगे, तो 2 दूना 4 यानी माइनस 2 की पावर क्या हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, और पावर क्या है, इवन है, पावर क्या है, इवन है, तो माइनस का साइन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस का 16 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर यहाँ पर ये ओड होता, पावर ओड होता तो नेगेटिव साइन आता, क्योंकि देखो जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जैसे ही पावर इवन नंबर, जैसे ही इवन नंबर होता है माइनस माइनस, 2 बार गुणा हुआ तो प्लस हो गया, 3 बार होगा माइनस 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 तो नेगेटिव रह जाएगा। तो पावर जब भी क्या हो, आपका एक इवन नंबर हो तो उस केस में जो है माइनस के साइन को वो पॉजिटिव बना देता है, जब ऑड नंबर हो तो नेगेटिव साइन को वो नेगेटिव ही रखता है। ठीक है, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है, 7 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 माइनस 3 की पावर -1 माइनस 4 की पावर -1 की पावर माइनस एक। ठीक है चलो, अच्छा मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था, ए की पावर माइनस एम हो, यानी ए की पावर किसी भी चीज़ की पावर माइनस में है, अगर हम उसे पॉजिटिव करना चाहते हैं तो वो फ्रैक्शन में चला जाता है, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है, और पावर जो बस पावर होता है वो अपना साइन चेंज करता है, बेस एज इट इज रह जाता है, यानी पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, और बस जो साइन था वो पावर के साइन जो भी हो वो अपना साइन चेंज कर लेता है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। अब हमें तो नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो आपको फ्रैक्शन में ले जाना पड़ेगा, यानी पूरा का पूरा क्या होगा, 1 के बटे में आ जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर, जो पावर के साइन माइनस था वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ होने वाला है, इसको हम लिख सकते हैं 1/7 -1/8, यहाँ पर -1 भी है, -1 लिख लो, और -1 इसको 1/3 -1/4 -1, इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, 8/7 1/56 -1 माइनस यहाँ 4/3 1/12 -1। चलो इसको पॉजिटिव साइन चेंज करेंगे तो 56 ऊपर आ जाएगा, है ना, सेम वही वाली बात है। यहाँ पर ये जो बात बताया मैंने, जैसे 1/ अगर ये ऐसे है माइनस एम है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वही वाली बात है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 56 लिख सकते हैं डायरेक्टली, साइन चेंज करके ये 56 ऊपर चला जाएगा और सिर्फ साइन को चेंज कर लेगा अपने। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, और 56 में से जब हम 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 44 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 44 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, चलो मैं इसको यहीं पे समझाता हूँ, इसी में काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पर ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये जो साइन, जो दो डंडे दिख रहे हैं आपको, ये क्या चीज़ है, इसको मोड कहते हैं, ये जो साइन है ना इसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, और इस मोड का काम क्या होता है, इस मोड जो भी चीज़ रखता है, जो भी वैल्यू रखता है वो पॉजिटिव रखता है, नेगेटिव नहीं रखता, यानी जैसे -6 लिखा है, जब ये बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव होकर बाहर आएगा, ये -6 काउंट नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको समझाऊँ, तो यहाँ पर देखो चलो सॉल्व करते हैं, पहले -3 का गुणा अगर मैं इसमें करता हूँ -2 के साथ, तो 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 4 में से 6 गया -2, और -2 का स्क्वायर करते हो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन उसके साथ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि समझ में ना आए, 6 का स्क्वायर -3
माइनस टू और प्लस में मोड -6, और यह है 18 माइनस नौ प्लस प्लस का साइन है डिवीजन, सॉरी डिवीजन का साइन है ये, तो डिवाइड बाय 3 × 5। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 4 में से 6 गया, माइनस दो का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 4, लेकिन ये माइनस के साइन से वापस गुणा होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 3 × 2 = 6, तो यहाँ हो जाएगा 6, और ये प्लस, अब माइनस का 6 मैंने बोला मोड का क्या काम होता है कि जो उसके अंदर वैल्यू है वो बाहर जब आती है तो क्या नाम, अपने साइन को पॉजिटिव करती है, यानी जो भी इसके मोड के अंदर वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी हम कहें तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, यहाँ 18, अच्छा पहले डिवाइड होगा तो 3 × 3 = 9, ठीक है, और 3 × 5 = 15, 18 में से 15 गया तो 3 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 से 12, 12 में से 4 गया 8/3, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8/3। आओ नेक्स्ट देखते हैं, फोर की पावर 16 + 4 की पावर 62 + 4 की पावर 63, पूछा निम्न में से किससे विभाज्य है। चलो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट के बता सकते नहीं कि हम किससे विभाज्य हैं, कॉमन दिख रहा है कॉमन लो फटाफट, 4 की पावर 61, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 की पावर अब 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ 4 की पावर 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 = 16, 16 और 4 = 20 और 1 = 21, 4 की पावर 61 × 21, तो किससे भाग होगा, 3 से होगा, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, 11 से होगा क्या, नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि 21 पूरा पूरा भाग हो रहा है 3 से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये क्वेश्चन देखो भाई, (10+√6+(2√10+2√15)। चलो सॉल्व करो, अच्छा इसका देखना ऑप्शन पूछा गया है, इसको सॉल्व करना है, और ऑप्शन देखो किस तरीके से दिया हुआ है, ये यानी आपका देखो यहाँ पर रूट में वैल्यू है, वैल्यू क्या है, रूट में है, और यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो आपका ये बड़ा वाला रूट तो है नहीं उसके ऊपर, यानी रूट हटने का कारण क्या होता है, रूट हटने का सीधा सीधा कारण होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्क्वायर हुआ होगा, कि रूट को कौन हटाता है, स्क्वायर ही तो हटाता है, स्क्वायर ही तो हटाता है, तो यानी कहीं ना कहीं ये जो अंदर फॉर्म है ये स्क्वायर के फॉर्म में बनना चाहिए, यानी कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, और देखकर हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी 2AB 2BC 2CA इस तरीके की फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो हम बनाने बनाते हैं, चलो देखो, अच्छा मैं यहाँ पर √6 को मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको तोड़ देता हूँ, प्राइम नंबर में अगर मैं तोड़ूँ तो ये 2 और 3 में टूटता है, तो इसको मैं √2 और √3 लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप लिखो इसको √2 × में √5 तोड़ सकते हो, और 15 को क्या तोड़ोगे, तो आप कहोगे √3 × में √5, इस तरीके में टूटेगा ये। अच्छा ये आपको दिख रहा है, ये 2 3 2 5 3 5, यानी 2 3 5, ये 2 3 5, यानी कहीं ना कहीं ABC है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये 2, अच्छा मैंने 2 तो सबके आगे लगाया नहीं है, एक बार 2 भी लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पर ऊपर वाला, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, 2AB 2BC 2CA, यानी आपको नीड किसकी पड़ी है, A² + B² + C² की, तो वो कहाँ से मिलेगा, तो आपको यहाँ से टेन से मिल जाएगा, मैं टेन को तोड़ने वाला हूँ, आप कहोगे तो मैं टेन को किस किस फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, देखो 2, 3 और 5 में तोड़ सकता हूँ क्या, हाँ तोड़ सकते हैं बिल्कुल, मैं इसको √2² + √3² + √5² लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो देखो √2² = 2, √3² = 3, √5² = 5, 5 × 3 = 8, 2 = 10, यानी हो जाएगा 10, और ये इसके साथ एज इट इज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो 2 √2 × √3 + 2 2 ×
√2 × √5 प्लस 2 × √3 × √5, ठीक है। तो बन गया फॉर्मूला, ये पूरा ऐसे है, इस तरीके से है, इसके ऊपर भी है ये पूरा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, √2 + √3 + √5 का होल स्क्वायर, और इन सब के ऊपर लग गया रूट, तो स्क्वायर से रूट का काम खत्म। तो आपका आंसर आ गया √2 + √3 + √5। देख लो कौन सा है, √2 + √3 + √5, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, ये वाला फार्मूला है कौन सा, ये वाला a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये इसका फार्मूला। तो इसी फार्मूले को हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ जी, वीडियो पॉज करो और आप पहले खुद बनाओ और फिर सॉल्यूशन देखो। चलो क्या कर सकते हैं, देखकर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो कर सकते हैं वो तो करेंगे। आपको देख लो यहाँ पर रूट के अंदर वैल्यू है, तो क्या कर सकते हैं, रूट से हटा सकते हैं क्या। हाँ देखो, ये वाला फॉर्म दिख रहा है आपको, वही वाला जो लास्ट 2 वीडियो 3 वीडियो जो जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चन इस पे बेस किए हैं, यहाँ पर हम 2 को रखते हैं और बाकी 2 को इसके अंदर भेज दिया, यानी 2 × 2 = 4 होता है, 4 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो ये जो टूटेगा, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन को, 6² + 7² + 7² + 8² + 9² + 10² ठीक है। क्या है आपका, 7 + 4√3 − 4 + 2√3, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर क्या चाहिए आपको, 2 चाहिए, तभी तो यहाँ पर क्या होगा, रूट से, ये रूट से वैल्यू हटेगी, स्क्वायर फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसको तोड़ता हूँ 2, और इसके अंदर का 2 अंदर जाएगा तो 4 होकर जाएगा, 4 × 3 = 12, तो अंदर आ जाएगा आपका 12। अब 12 को ऐसे 2 टर्म में तोड़ेंगे जो 7 बनाए, तो 4 और 3, तो इसकी जो इसका जो ये जो बनेगा क्या बनेगा, √4 + √3 के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। माइनस इसको तोड़ते हैं, तो ये 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 3 को तोड़ोगे तो 3 एकम 3, यानी यहाँ पर ये वाला माइनस का साइन, और यहाँ पर हो जाएगा आपका √3 + √1 को मैं 1 ही लिख सकता हूँ, और ये वाला ब्रैकेट लगा दूँ, और ऊपर क्या है इनके, ये ऊपर ये 6² वाला एज इट इज, 6² + 7² + 8² + 9² + 10², ठीक है। चलो माइनस से गुणा कर दो अंदर, अगर माइनस से अंदर गुणा करते हो तो ये −√3 हो जाएगा और −1 हो जाएगा, प्लस के √3 से −√3 कट जाएगा, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी नीचे कुछ नहीं बचा, जो बचा ऊपर बचा, जो बचा ऊपर बचा, और ऊपर बचा क्या है, ऊपर बचा है 6² + 7² + 8² + 9² + 10², यानी अब याद क्या करो भाई, सबका स्क्वायर निकालो और सबको जो है ऐड कर दो, वो आंसर कहलाएगा। या फिर अगर हम यहाँ पर एक तरीका यूज़ करें तो हम आंसर जल्दी भी बता सकते हैं, कैसे, देखो, यानी हम जो सीरीज में नंबर होते हैं, जैसे 1 1² + 2² + 3² + जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ये ऐसे एन टर्म तक जो नंबर होते हैं, उसको ऐड करने का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, क्या होता है एन, यानी एक बार यहाँ पर सम लिख देता हूँ, सम क्या होता है इसका, सम निकालने का जो फार्मूला होता है n n+1 और 2n+1 होता है, बटे में 6 ये होता है, ठीक है। तो हम इसी फार्मूले को यहाँ पर यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पर 6 स्क्वायर से स्टार्ट है 10² तक, क्यों ना हम 1 से लेकर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस
तीन स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। पहले हम यहाँ तक निकाल लें और फिर हम उसमें से क्या करें, एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर प्लस डॉट 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 पाँच पाँच स्क्वायर यहाँ तक निकाल लें, और इसमें से जब हम ये वाला घटा देंगे तो हमारे पास यही वाली वैल्यू बचेगी। ये समझाने के लिए इतना समय लग रहा है, अदरवाइज है नहीं इतना समय वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर। तो चलो हम निकाल लेते हैं एक से लेकर। तो यहाँ पर एन क्या होगा, 10 होगा, यहाँ पर रखते हैं 10, तो कितना हो जाएगा आपका, एक बार क्वेश्चन थोड़ा साइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा 10, 10 प्लस और एक 11, दो दम 20 और एक 21, 21 यहाँ 6 काट लो, 3 दूनी 6, 3 सत 21, 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा, 11 पंचे 55 और कितना हो जाएगा, 11 पंचे 7 पंचे 35, 3 7 पंचे 35 और 3 38, 385, यानी यहाँ 385 आया है। एक बार दोबारा गुना कर लूँ, कुछ गलत तो नहीं है, या फिर ऐसे कर 5 ही, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पर 5 है, हाँ ठीक है, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 7, 7 पंचे 35, 3 7 पंचे 35 और 3 8, ठीक है 385, ओके। अब क्या करते हैं, हम एक से लेके 5 तक निकालते हैं, एन कितना हो गया, 5 हो गया, 5 टर्म है तो एन बराबर 5 हो गया आपका, यहाँ पर एन निकाल लेते हैं, तो 5 और इंटू में 5 प्लस 1 6 इंटू में 2 5 या 10 प्लस 1 11 बटे में 6, और 6 से 6 कट गया, 11 पचे 55, तो आपका आंसर आ जाएगा 385 माइनस में 55, ठीक है, तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गया 3 और 330, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका 330 होगा, ठीक है, 330 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें ये पूछता है कौन सा छोटा बड़ा है, तो देखो इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम रूट में चीज़ों को नहीं कंपैरिजन कर सकते, हमें क्या करना होता है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे, यानी हम इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 4 की पावर हम यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 1/3, और हम 6 को लिखेंगे 6 की पावर 1/4, और हम लिखते हैं 15 को 15 की पावर 1/6, और 12 की पावर 12 की पावर कितना लिखेंगे हम, 245 की पावर हम लिखेंगे 1/12, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको पावर के फॉर्म में लिख लिया, रूट से हटा के पावर के फॉर्म में लिख लिया। अब देखो कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं, एक क्वेश्चन आसानी से समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, क्या है हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपको नीचे वैल्यू नज़र आ रही है 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, ये जो नीचे जो वैल्यू है यानी डेनोमिनेटर में जो वैल्यू है, हम क्या करते हैं उसका एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा एलसीएम ही क्यों, आप एलसीएम के अलावा कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि पूरी पूरी वैल्यू कटे, ठीक है, और छोटी छोटी वैल्यू होती है आपको पता है एलसीएम, तो 3 4 6 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो क्या करो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, काट लो 3 4 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4, 4 3 12 यानी 6 की पावर 3, 6 2 12 यानी 5 की पावर 2, 12 से 12 गया यानी 245, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 की पावर ये कितना हो जाएगा 256, 6 की पावर 3 कितना होता है 216, और 15 की पावर 2 225, और ये कितना हो जाएगा 245। तो बता सकते हो कि कौन सा सबसे बड़ा है, इसमें पूछा कौन सा सबसे बड़ा है, तो 256 सबसे बड़ा है, और 256 कौन सा था आपका 4, यानी ये वाला, यानी आप कहोगे क्यूब रूट ऑफ 4 विल बी द आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो चलो सेम क्वेश्चन वही पिछला वाला खोल लेते हैं, इनको हटा देते हैं रूट से, तो 0.5 इसका स्क्वायर कर दो भाई, कितना हो जाएगा 0 5 25 यानी 0.25 हो जाएगा, ठीक है।
ये कितना हो जाएगा, तो 0.49। अच्छा रूट से हट, चलो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, ये हो जाएगा। अच्छा ये तीन ना, यहाँ पर ये तीन इसके अंदर है, क्यूब रूट है ये, यहाँ पर गुणा में दे दिया, ये यहाँ पर इस तरीके से होगा। किस तरीके से होगा, यहाँ पर ये तीन अंदर की तरफ होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 3.008, ठीक है 0.23 हो जाएगा। ठीक है चलो अब एक बार सही से लिख लेते हैं, तो 0.25, और ये 49 रूट से बाहर आएगा तो 7 हो जाएगा, और 2 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। और यहाँ पर देखो डबल डिजिट में चल रहा है सब जगह, तो इसको भी डबल डिजिट कर लो, 0.70 कर लो। यहाँ पर 8 भाई क्यूब रूट है तो 2 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 ही क्या होता है, 8 होता है। और कितनी कितने के बाद पॉइंट है, 1, 2, 3, तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी 0 लगा लो, 0.20, और ये कितना हो जाएगा 0.23। ठीक है देखो कौन सा इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 0.20 सबसे छोटी संख्या है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है ये इसका आंसर हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या है, बाकी जो है इससे बड़ी संख्या है। ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके अच्छा चलो इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं क्या है, फिर डायरेक्ट हम आंसर कर पाएंगे क्या है। एक बार मैं न्यू पेज ले लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, मैं कुछ चीज़ें आपको लिखवाता हूँ, वो चीज़ें आप ध्यान रखना, पेपर में आप इस तरह क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो क्या होता है, दो तरह के फॉर्म बनते हैं, एक आपका क्या होता है, एक अंतर वाला यानी डिफरेंस वाला आपका बनता है फॉर्म, डिफरेंस हिंदी में कहें तो अंतर, क्या बनता है अंतर, और एक आपका बनता है सम वाला फॉर्म यानी जोड़ वाला, योग वाला सम। ठीक है सम वाला बनता है, मैं दोनों डाउट आपके क्लियर कर देता हूँ परमानेंट, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। क्या होता है यहाँ पर देखो, डिफरेंस की बात करूँ, जैसे मैं मान लो यहाँ पर कहूँ √9 माइनस, यहाँ पहले प्लस से स्टार्ट करते हैं, +√7। ठीक है यहाँ √13 प्लस √11, यहाँ पर लूँ √5 प्लस √3। ठीक है और अब यहाँ पर इसी के नीचे इसी फॉर्म को दोबारा मैं लिखता हूँ, जब क्या हो माइनस में हो, ये चीज़ √9 माइनस √7 √13 माइनस √11 √5 माइनस √3। ठीक है योग वाले में ले लेते हैं √5 प्लस √2, ठीक है √3 प्लस √4, √6 प्लस √1, यही चीज़ माइनस में दे दे आपको, √5 माइनस √2 √3 माइनस √4 √6 माइनस √1। जब इस तरीके से फॉर्म बने आपका, तो आपको देखकर कंपैरिजन किस तरीके से करना है एक बार समझ लो, फिर परमानेंटली क्वेश्चन पे आप लगा पाओगे। देखो जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो, यहाँ पे देखो 9 और 7 का अंतर कितना है, 2 2 2, इन सब का अंतर 2 है, यहाँ पर भी 2 2 2। जब डिफरेंस डिफरेंस क्या हो, अंतर सेम हो, क्या हो सेम हो, ठीक है उस केस में कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, हम डायरेक्टली इन चीज़ों को ऐड कर देते हैं। 9 और 7 कितना होगा, 16 होगा, 13 और 11 कितना होगा, तो आपका हो जाएगा आपका 24। ठीक है और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो इसमें पूछेगा सबसे बड़ा कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा है यानी 24 है, ये वाला सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा होगा ये वाला।
और जब अंतर हो जाए, जब अंतर माइनस, जब सॉरी जब माइनस में हो तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 24 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है तो 8 आ रहा है। अगर ये माइनस का साइन हो यहाँ पर तो उस केस में क्या होगा, जो सबसे छोटा है यानी जो 8 है ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर ये सबसे बड़ा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर सबसे छोटा आप जानना चाहो सबसे छोटा कौन सा, तो सबसे बड़ा है ये सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अब यहाँ पर देखना है, जब योग यानी 5 2 7, 4 3 7, 6 और 1 7, 5 2 7, 3 4 7, 6 1 7, उस केस में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख लो, √4 माइनस √3, ठीक है, इस तरीके से लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखना, 4 3 7, 6 1 7, ठीक है। अब हम जब यहाँ पर योग, जब योग समान हो, योग क्या हो, समान हो, सेम हो, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 6 एकम 6, ठीक है। यहाँ पर 5 दूनी 10, 4 3 अब 12, 6 एकम 6। अब देखो जो सबसे बड़ा है यहाँ पर, सबसे बड़ा क्या है, 12, तो उस केस में ये सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा बोले तो जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर जब नेगेटिव साइन आ जाए, माइनस का साइन हो जाए, तो जो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। और क्रम में लगाना हो तो हम इस तरीके से क्रम में भी लगा सकते हैं इन चीज़ों को। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। अब ये चीज़ आपको नॉलेज में है तो आप देखो कैसे क्वेश्चन को फटाफट करते हो। आओ देखते हैं क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन हाँ ये रहा। देखो इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है, तो कर लेते हैं, देखो देखते हैं क्या डिफरेंस बड़ा डिफरेंस है या सम है। तो 19 17, 2 का डिफरेंस है, ओके, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, डिफरेंस और नेगेटिव साइन है, सबसे बड़ा पूछा है, इसका मतलब क्या करोगे आप, योग करोगे, जो सबसे छोटा है वही आंसर होगा। तो 19 और 17 कितना हो जाएगा आपका, ये तो देखो वैसे ही आपको पता लगा है बड़ी वैल्यू देने वाला है, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो इन सबसे तो बड़ा ही वैल्यू देने वाला है, और हमारा जो सबसे छोटा होगा वही तो आंसर होगा। 13 और 11 जोड़ते तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अभी ये देखो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इससे भी छोटा है, 7 और 5 कितना, 12, और 5 और 3 8, तो यहाँ पर ये देखो ये भी आंसर नहीं होगा, 5 और 3 8, ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये नहीं, यही सबसे बड़ा है। तो √5 - √3 विल बी द आंसर। देखो कितनी जल्दी हमने कर लिया, अगर हमें वो चीज़ पता है तो इजीली। हमने क्या किया, यह नेगेटिव का साइन था तो हमने डायरेक्टली इन चीज़ों को जोड़ा, 1917 को जोड़ा, 13 11 को जोड़ा, 7 5 को जोड़ा, 5 3 को जोड़ा हमने, और देखा जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होगा और ये आंसर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही कंपेरिजन वाला क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। तो 2 की पावर 1/2 गुना 3 की पावर 1/6 गुणा, सॉरी गुणा का निशान नहीं होगा यहाँ पर, मैं गुणा क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पर कोमा लगाओ, 3 की पावर 1/6 और यहाँ 4 की पावर 1/3 और यहाँ 5 की पावर 1/4, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, 12 से सबको गुणा कर दो, भाई काटो, 2 6 12 यानी 2 की पावर 6, सॉरी 6 दूनी 12 यानी 3 की पावर 2, 3 चौक 12 यानी 4 की पावर 4, 4 तिया 12 यानी 5 की पावर 3, कर लो भाई, 2 की पावर 6 कितना होगा, 64, 3 तिया 9 और ये 256, और ये कितना हो जाएगा, 125। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी 256 हो जाएगा, 256 यानी 4 की पावर 4, और ये रहा आपका आंसर यानी √4, √4 विल बी द आंसर, 1 2 3, 1 2 3, √4, ठीक है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन,
अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप लोग करें, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और अगर चीज़ों को समझ रहे हो तो इस क्वेश्चन को आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। मैं नेक्स्ट जो आपका आपका टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो उससे सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा इसका आंसर आपका क्या आया था, ठीक है? और फिर मैं वहां पर भी आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा और चेक करना आप लोग आपका आंसर उससे मैच खाता है कि नहीं खाता। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, जरूर करना इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये अच्छा अलग है ना? अलग है। चलो यहाँ पर मैं लेता हूँ, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/6। एलसीएम कितना होगा? 2, 3, 4, 6 का 12 ही होगा। 12 से फटाफट काटो, दिमाग में काटते हैं। देखो 2 6 12 यानी 2 की पावर 6, 3 चौक 12 यानी 3 की पावर 4, 4 तिया 12 यानी 4 की पावर 3, 6 दूनी 12 यानी 6 की पावर 2। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। और 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। और 6 की पावर 2 कितना होता है? 36। क्या पूछा है इसमें? सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो 81 सबसे बड़ी संख्या है यानी 3 की पावर 1/3, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरीके का क्वेश्चन है लेकिन इस बार रूट में नहीं दिया गया आपको है, तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, ये फटाफट समझ लो क्योंकि एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। देखो जब पावर फ्रैक्शन में था तो हम क्या कर रहे थे, हम एलसीएम ले रहे थे, लेकिन अब की बार पावर फ्रैक्शन में नहीं है और पावर बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम क्या करते हैं पावर को छोटा करने की कोशिश करते हैं। जब फ्रैक्शन में होता है तो मल्टीप्लाई करके हम छोटा करते हैं, लेकिन जब इंटीजर वैल्यू हो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसको एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे? एचसीएफ से डिवाइड करेंगे ताकि वो छोटा हो जाए। क्या होगा? एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो चीज जो वैल्यू होगी इंटीजर वैल्यू उसको छोटा करेगा वो। तो यहाँ पर 250, 150, 100 और 400 का जो एचसीएफ हम लेते हैं तो कितना आएगा, तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ 50 होगा, है ना? 250 50 से कटेगा, 150 50 से कटेगा, 100 भी 50 से कटेगा और 200 भी 50 से कटेगा। तो 50 से सबको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। काटते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 2 की पावर 5, यहाँ 3 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 2, यहाँ 4 की पावर 4। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 5 32 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है और ये कितना होता है आपका, 256 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा था, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या आपको दिख रहा है 27 या 25। 25 है, 1 2 3 यानी 25, यानी 5 की पावर 100, 5 की पावर 100 इसका आंसर हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन वही वाला, उसी टाइप का, बड़ा छोटा वाला, तो कर देते हैं भाई फटाफट। क्या है देखना, अंतर है कि सम है, 7 5 2 का अंतर है, 5 3 2 का अंतर, 9 7 2 का अंतर, 11 9 2 का अंतर है। अंतर है और नेगेटिव साइन है, यानी क्या होगा, हम सम करेंगे और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो 7 5 12, 5 3 8 ये बाहर, 9 7 16 ये बाहर, 11 9 कितना हो जाएगा, 20 ये बाहर, यानी ये इसका आंसर होगा, √5 - √3। क्या बोला मैंने, नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन है और डिफरेंस का डिफरेंस सेम हो रहा है, तो उस केस में सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर 5 3 8 ये सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही समय आपको एग्जाम में भी लगाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये है तो काफ़ी क्या है, तो लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हमें वो तरीका पता है तो हम इजीली देखो कितना फटाफट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में गलत संबंध का चयन कर, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है हमें ये बताना है।
चलो देखो, निम्नलिखित गलत संबंध का चयन करना है। तो अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर प्लस का साइन है, क्या है प्लस का साइन है, और यहाँ पर देखो सम हो रहा है कि डिफरेंस हो रहा है, 6 2 8 5 3 8, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, सम हो रहा है और पॉजिटिव साइन है, तो गुणा करके चेक करते हैं हम लोग। तो 6 दुनी 12 5 या 15, ये कह रहा है कि बराबर होते हैं, नहीं यह गलत संबंध है। दूसरा चेक करते हैं, 6 दुनी 12 और 5 या 15, ये कह रहा है कि 15 बड़ा है 12 से, ये तो सही कह रहा है। 6 दुनी 12 और 5 या 15, ये कह रहा है कि 12 बड़ा है 15 से, नहीं ये गलत है। ठीक है, तीन ही संबंध थे, इसमें पूछा है कि गलत संबंध का चयन करना है, तो गलत गलत जो है कौन सा हो गया, फर्स्ट और जो है थर्ड। ठीक है, तो देख लो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा, कि पहला और तीसरा गलत है, दूसरा तो सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट भाई, इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हो आप लोग। 2+√3 / √3, यहाँ पर देखो डिफरेंस 1 का है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो गुना में भी 1 है, तो यहाँ पर क्या है, ये बताया था ना बैलेंसिंग पोजीशन में है, तो डायरेक्टली पॉजिटिव साइन करके ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 2+√3 * 2+√3, यानी पावर के फॉर्म में आ गया, तो 2+√3 का होल स्क्वायर दे दिया। तो अब यहाँ पर तोड़ लेते हैं, खोल लेते हैं, 2 2 4 3 4√3, तो a² + b² + 2ab, 4 3 7, तो यहाँ 7 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 4√3। रूट तीन की वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 1.732, तो गुना में 1.732। चलो गुना कर लेते हैं, तो 7+4 2 8 4 3 12, यहाँ पर 4 3 12, 4 7 28 और 1 29, 2 4 1 4 2 6, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 13.928 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लो ऑप्शन नंबर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, m बराबर ये, n बराबर ये, आपको पता है इस तरह के एक्सप्रेशन जब हम क्या करते थे, जैसे मान लो √30 + √30 + √30 इस तरीके से चलता रहता था, तो हम इसको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में तोड़ते थे, जैसे 5 6 30, और हम देखते थे डिफरेंस 1 है क्या, हाँ डिफरेंस 1 है, तो पॉजिटिव साइन पे होने पर बड़ा वाला आंसर होता था, नेगेटिव साइन होने पर छोटा वाला आंसर मानते थे हम लोग। तो वही चीज़ है यहाँ पर, वही चीज़ है यहाँ पर, वही चीज़ है। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम, आपकी बार रूट में क्या दे दिया आपको, रूट में आपको 5 दे दिया गया है, रूट में क्या क्या है, एम बराबर में आपको दे दिया कि √5 + √5 + इस तरीके से आपको वैल्यू दे दी। अब हम इसको अगर तोड़ने बैठे तो हम इसको क्या तोड़ पाएंगे, √5 को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में तोड़ पाना हमारे लिए आसान है क्या, नहीं टूटेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा हमें नहीं पता कि ये टूटेगा किस फॉर्म में टूटेगा, लेकिन टूटेगा जरूर, तो हम क्या करते हैं, इतना तो हमें पता है, मान लो ये ए और बी के फॉर्म में टूट रहा है, और ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में तोड़ते हैं हम इसको, जिसका डिफरेंस किस में होता है, 1 का होना जरूरी होता है, यानी ए जो है और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो बड़ा वाला आंसर मानते हैं हम। तो आप कहोगे जो हमारा इस फॉर्म में जो आंसर होगा, एम बराबर में आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे एम बराबर में ए आंसर होगा, क्या होगा, एम बराबर में ए आंसर होगा, क्योंकि पॉजिटिव का साइन चल रहा है। अच्छा यहाँ पर नेगेटिव जब साइन हो रहा है, एन बराबर में जब ये नेगेटिव साइन हो रहा है, 5 - 5 - 5 - तो इस तरीके से जब ये चल रहा है, तो इसको फिर से तोड़ा आपने ए और बी के फॉर्म में, तो आपके पास नेगेटिव साइन है, तो छोटा वाला आंसर हम ये छोटी वाली वैल्यू हम मान के चल रहे हैं, बड़ी वैल्यू हम ए को मान के चल रहे हैं, तो छोटी वाली वैल्यू आंसर होगी क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो आप कहोगे एन बराबर कितना आ गया, बी आ गया।
एन बराबर में बी आ गया, ठीक है। और आपको पता है ए और बी का अंतर कितने का है, एक का है, तो आप क्या कहोगे, ए माइनस बी का अंतर कितना है, एक का है। और ए बराबर क्या है, एम है, यहाँ पर मैंने एम रख दिया, बी बराबर क्या है, एन है, तो माइनस में एन रख दिया, तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया एम माइनस एन बराबर में एक। देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो एम माइनस एन बराबर में ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वन को इधर भेजोगे तो प्लस का वन हो जाएगा, तो यही वाला फॉर्म बन जाएगा, या वन को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, एम माइनस एन माइनस में वन बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए इसे ही देखते हैं। चलो एक्स बराबर में क्या दे रखा है आपको, ए की पावर, सॉरी पावर में नहीं है ये, ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी, और यहाँ पर क्या है आपका क्यूब रूट, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ बी, ओहो गलत लिख दिया, क्यूब रूट ऑफ बी ए क्यूब रूट ऑफ बी, इस तरीके से डॉट 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 ये चल रहा है, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे, ऑप्शन देखो किस फॉर्म में है, इतनी बड़ी वैल्यू को इसने केवल इस फॉर्म में तोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, ये रूट देखो, ये रूट, ये रूट, ये रूट हटते गए और अंत में एक रूट बचा और वही इसका आंसर कहलाया, तो हमें क्या करना है, रूट हटाना है, और रूट हटाने का एक ही तरीका है स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करो, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, तो अगर स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कट जाएगा और यहां पर बच जाएगा ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी क्यूब रूट ओ सॉरी स्क्वायर रूट ए क्यूब रूट ऑफ बी डॉट 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 इस तरीके से, ठीक है। ओके अब हमें क्या करना है, हमें क्यूब रूट हटाना है, तो हमें क्यूब करना पड़ेगा, नहीं क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्यूब करते हैं तो पावर 3 जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, और ए की पावर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से क्यूब रूट कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा बी, और क्या बच जाएगा आपका इनटू में, यहाँ बच जाएगा ए क्यूब रूट ऑफ बी डॉट 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 इस तरीके से बच जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ ध्यान से देखें, ये फॉर्म और ये फॉर्म, यानी हमने इसको ही एक्स माना था, और ये आगे इसी तरीके से देखो, यहाँ पर ये फॉर्म इस तरीके से यहाँ तक चला, फिर इस तरीके से यहाँ तक चला, फिर यहाँ इसी तरीके से चलता ही जाएगा, ये तरीका, ये जो फॉर्म है ना, ये रिपीटेशन में है, रिपीट हो रहा है आगे, और हमने इसी को एक्स, यहाँ पर इसी को एक्स के फॉर्म में दे रखा है, तो ये यहाँ तक एक्स हो गया, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 6 ए की पावर 3 इंटू बी इंटू एक्स, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, हम इस एक्स को नीचे ले आते हैं, एक्स की पावर 6 बट्टे में एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब बी, ठीक है। अब यहाँ बेस से मैं पावर घटा दो 6 में से, यहाँ पावर 1 है, 6 में से 1 गया 5, तो एक्स की पावर हो गई 5 बराबर में ए क्यूब बी, ठीक है। अब ये पावर 5 को क्या करूँ, उस तरफ भेज दो, तो उल्टा होकर जाता है, ये बात ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका ए क्यूब बी, ए क्यूब बी की पावर 1/5, और हम 1/5 को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर फिफ्थ रूट ऑफ ए क्यूब बी, तो एक्स बराबर में आपका ये आ जाएगा और यही इसका आंसर कहलाएगा। अब देख लो कोई ऑप्शन है जो इस तरीके के फॉर्म में है, ये रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इजी क्वेश्चन,
समय नहीं गवा कर फटाफट कर लेते हैं। 2 की पावर 2x+3 बराबर में 32, और यहाँ पर दे रखा है 3 की पावर x+1। अच्छा, इसकी वैल्यू पूछा है हमसे कि क्या होगा। ओके चलो, यानी हमें x की वैल्यू निकालना है और हमें आंसर फाइंड कर लेना है। तो कितना आसान है, अगर हम बेस सेम कर दें तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम बेस 32 को 2 की पावर 5 लिख लेते हैं। बेस सेम तो पावर बराबर, तो 2x+3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दो, तो 1 + 1 2 होता है, और 3 की पावर 2 9 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये क्वेश्चन तो देखकर ही सीधा आंसर करो 4। देखो, इस तरह के एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, इनमें डायरेक्टली ऑप्शन का यूज़ करो, आंसर करो। √x, यानी रूट में कोई वैल्यू है, यानी अंदर जो वैल्यू होगी वो इस तरीके की वैल्यू होगी जो स्क्वायर रूट हो, जो स्क्वायर के फॉर्म में हो, तभी तो बाहर आएगा। अगर मैं ऑप्शन यहाँ पर देखो, 25/4 भी रख सकते हो आप, लेकिन ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हम बाद में चेक करेंगे। और दूसरी बात, अगर हम ध्यान से देखें तो 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट है तो इस ट्रिपलेट होता क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, जो 4 होगा वही तो पावर 2 देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, 4 ही ऑप्शन में जाएगा। या तो ट्रिपलेट देख के इसका आंसर मार्क कर दें, या ऑप्शन पुट करके चेक कर ले। अगर मैं रूट के अंदर 4 रखता हूँ और प्लस में 12, फिर रूट के अंदर मैं 4 रखता हूँ बराबर 13, फिर मैं रूट के अंदर 4 रखता हूँ, तो √4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 की पावर 2 + 12, √12 की पावर 2 और 13 की पावर 2। ट्रिपलेट देखकर डायरेक्ट आंसर 4, अदरवाइज सॉल्व करोगे तो 55, 144, 169, जोड़ते हो इनको तो 169, तो यहाँ पर भी 169, यानी ठीक बात है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये SSC CHS जैसे एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। देखो क्या होता है इस तरह क्वेश्चन, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर में 6 की पावर -z। जो इस तरह के आपको क्वेश्चन दिए होते हैं ना, उसमें एक चीज़ एग्जामिनर क्या रखता है, वो यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें कुछ संबंध जरूर देता है, कुछ ना कुछ रिलेशन आपको दे देगा, उस रिलेशन पे बेस्ड हमें सॉल्व करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, 2, 3 और 6 का कोई रिलेशन है आपस में, तो आप कहोगे हाँ 2, 3 और 6 का रिलेशन बनता है 2 × 3 = 6। यहाँ पर कुछ भी रिलेशन दे सकता है, वो स्क्वायर के फॉर्म में दे सकता है, किसी भी फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में, कैसे भी दे सकता है। हमें यहाँ पर दिख रहा है 2, 3, 6 होता है, यानी हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी चीज़ का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में हम करेंगे और हम आंसर फटाक से निकाल सकते हैं। अगर मैं इन सबको किसी वैल्यू, मान लो मैं इसके कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो, यहाँ पर के मान लेते हैं कि के बराबर में है, यानी ये भी के बराबर में है, ये भी के बराबर में है, ये भी के बराबर में है, तो अलग अलग रख लेते हैं। 2 की पावर x बराबर में k, तो 2 बराबर में कितना हो जाएगा, k की पावर 1/x। यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर y बराबर k, तो यहाँ पर 3 बराबर कितना हो जाएगा, k की पावर 1/y, और यहाँ पर 6 की पावर -z बराबर k, तो 6 बराबर में हो जाएगा k की पावर -1/z। ठीक है, बस देखो 2, 3, 6 क्या लिखते हो, 2 × 3 = 6। तो 2 बराबर में क्या आया आपका, ये आया, तो यहाँ पर ये रख सकते हो k की पावर 1/x, गुना में 3 की जगह पे ये आया है, तो यहाँ पर क्या रखते हो, k की पावर 1/y, बराबर में 6 की जगह पे क्या है, k की पावर -1/z। तो देखो बेस सेम है, पावर को जोड़ दो तो k की पावर आ जाएगा 1/x + 1/y बराबर में k की पावर -1/z। बेस सेम, बराबर का निशान है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, 1/x / 1/y बराबर में -1/z। -z को इस तरफ ले आओ तो 1/x + 1/y + 1/z = 0,
यही हमसे पूछा गया था कि क्या होगा, तो जीरो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन आ गया ये आपका, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम इसको भी फटाफट। बराबर में ए प्लस में √7, यहाँ बी होगा, यहाँ बी होगा, और ए और बी का क्रम से मान आपसे पूछा है क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर एग्जामिनर ने इस फॉर्म में लिखा है, और ये जो क्वेश्चन होता है ना, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जब आप एलजेब्रा या सर्च इंडिसेस इन सब में ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, इनके जब आप 10-12 क्वेश्चंस यूज बना लेते हो, तो आपको ये क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाता है कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्या क्या करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन में, जो एग्जामिनर हमें इस जो फॉर्म बनाकर देता है, हम उसी तरह के फॉर्म में यहाँ पर जो वैल्यू होता है राइट हैंड साइड में, उसको भी हम उसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलो बनाते हैं एक बार, सॉल्व कर लो भाई इसको। यहाँ पर डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा, देखो √7, ये इधर ऊपर चला जाएगा, ये इधर ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो √7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1, 7 में से 1 गया नीचे, 6 बचेगा, और ऊपर क्या बच जाएगा आपका, √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, 6। हम RHS वाले को लेके चल रहे हैं, बाद में लास्ट में इसको लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ आपको पीछे वीडियो में, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, तो 4AB होता है। क्या होता है, 4AB, ए कितना है √7, और बी कितना है तो 1, और नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी आपका जो वैल्यू बना यहाँ पर बना 2√7/3। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है बराबर में ए प्लस में √7b, √7b। ठीक है, चलो अब कंपैरिजन करें एक बार। देखो एक बार सही से लिख लेता हूँ, 2/3 √7, थोड़ा सा जगह चाहिए, थोड़ा सा जगह यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर देखना, 2/3 √7 और बराबर में है आपका ए प्लस √7b। देखो यहाँ पर √7 के बाहर क्या है, 2/3 है, यहाँ √7 के बाहर क्या है, अच्छा b को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए प्लस में √7, है ना, गुणा है, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, और √7 के बराबर बाहर क्या है, b है। तो आप कह सकते हो b की वैल्यू कितनी हो गई, आपकी b की वैल्यू हो गई 2/3। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो गई, 2/3 हो गई। अच्छा, a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर a तो है ही नहीं, ध्यान से देखो, a की जगह पर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 तो है, इसको मैं 0+ समथिंग लिख सकता हूँ। तो यानी a प्लस में 0 प्लस में, तो यानी ए बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, ए बराबर कह सकते हो 0 हो गया। देख लो कौन सा ऑप्शन है जो इस फॉर्म में है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो ये दे रहा हो। अच्छा, यहाँ पर माइनस में आ रहा है, दोनों में -2/3, यानी हमने कुछ यहाँ पर माइनस का साइन छोड़ दिया है। क्या छोड़ा है, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ गलती हो गई हमसे, ये माइनस का साइन, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर में 4AB होता है ना, 4AB होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस वाला आगे दे रखा है, तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन बाहर लेंगे, माइनस को क्या कहेंगे, कॉमन बाहर लेंगे, तो ये चीज़ आगे आ जाएगा और ये चीज़ पीछे हो जाएगा, यानी ये चीज़ आगे आ जाएगा और ये चीज़ उठकर पीछे चला जाएगा, तब ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक
ठीक है। अदरवाइज अगर आप माइनस को नहीं चेंज करते हो तो आपको यहाँ पर 4ab का माइनस 4ab लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो माइनस साइन है ना, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ए प्लस बी यानी ये प्लस वाला आगे होना चाहिए था और ये पीछे होना चाहिए था, तो वो कब हो सकता है जब माइनस को मान लेंगे, और माइनस को मान लेंगे तो बाहर वो माइनस कहीं ना कहीं तो यूज होगा ना, तो फॉर लास्ट में माइनस 4ab हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ माइनस आना चाहिए था, यहाँ पर माइनस का होगा ये, ठीक है, इसको माइनस का कर लिया मैंने। तो अब यहाँ से आप कह सकते हो कि बी की वैल्यू माइनस का 2/3 है, बी की वैल्यू माइनस का 2/3 है, देख लो कौन सा ऑप्शन है, माइनस का 2/3 यानी बी की वैल्यू है -2/3 और ए की वैल्यू 0 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 और बी की, क्योंकि ए पहले है बी बाद में है, तो ए बराबर 0, बी बराबर -2/3, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है, एक्स बराबर में √3 प्लस √2 √3 माइनस √2। अच्छा, आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x³ चाहिए, इसका मतलब जब एक्स प्लस 1/x आपको पता है ए हो, तो x³ + 1/x³ क्या होता है, a³ - 3a होता है। उम्मीद है ये बात आपको पता होगा और मैं इसी का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाला हूँ, यानी मुझे क्या चाहिए, x+1/x चाहिए, x तो है मेरे पास 1/x, और निकाल लो तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस में √2 बटे में √3 प्लस में √2, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जब आप ऐड करते हो, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, √3 + √2 बटे में √3 - √2 प्लस ये हो जाएगा √3 - √2 और √3 + √2। भाई सीधा सीधा एलसीएम लोगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, यानी फॉर्म बनेगा a+b² + a-b²² और नीचे देखो a² - b² इन तीन में से दो जाएगा तो आपका बचेगा 1, तो ऊपर ऊपर क्या बच जाएगा आपका, डायरेक्टली a+b² + a-b² क्या होता है, 2a² + b² होता है, तो यहाँ पर रख दो, √3 का² 3, √2 का² 2, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर आया 10, और आपसे पूछा है क्या, यानी आपको पता लग गया x+1/x 10 है, तो x³ + 1/x³ कितना होगा आपका, 10³ -3a, 10³ 1000 - 30, यानी आप कहोगे इसका आंसर आ जाएगा 970, कितना आ जाएगा, 970, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश किया, और इस टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे मैंने सारा डिस्कस किया, हो सकता है कुछ टॉपिक छूट गए, कुछ कॉन्सेप्ट छूट गए हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आया होगा, और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलने वाले हैं, क्योंकि इनमें से कई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर सुझाव देना और अपनी राय देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपका नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, और आपका जो है नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा और उसको भी हम बहुत बेसिक से समझेंगे, जैसे ये बिल्कुल बेसिक से समझते हुए हम जो है काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लिया, तो उसमें भी हम जो है बेसिक के साथ साथ काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।